हाय एवरीवन, माय नेम इज सुरभि एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाइकिंग एसेंशियल्स के बारे में, या फिर जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से पढ़ ही लिया है, बेसिकली मैं आपको अपने बैकपैक के अंदर दिखाने वाली हूँ जो मैं लेके जाती हूँ अपने साथ एक डे हाइक पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। बट वीडियो शुरू करने से पहले ये मैसेज उनके लिए जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं। हाय, मेरा नाम सुरभि है और मैं ट्रैवल लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। एंड अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगर आप एक एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन टू दिस प्लेस एंड सपोर्टिंग मी ऑन दिस जर्नी। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो बेसिकली डे हाइक्स में मैं 8 से 10 किलोमीटर वाली हाइक्स को या फिर ट्रैक्स को ही कंसिडर करूंगी। उससे ज्यादा लंबी वाली हाइक्स आई थिंक बहुत ज्यादा टायरिंग भी हो जाती है। एंड आई पर्सनली वुड प्रेफर कि अगर मैं वहां पे कैंप कर सकूं, और कैंपिंग के लिए जब मैं जाती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बैकपैक जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, तब मैं 35 से 40 लीटर वाला बैकपैक अपने साथ कैरी करती हूँ। एंड ऑब्वियसली कैंपिंग के हिसाब से या फिर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें मेरी इंक्रीज भी हो जाती है। बट सिंस ये डे हाइक के रिलेटेड वीडियो है, सो 20 से 25 लीटर वाला बैग वुड सर्व द पर्पस इजीली। एंड अगर मैं कैंपिंग के लिए भी जाती हूँ तो ये वाला सामान मेरा बेसिक रहता ही रहता है। इसके साथ मेरी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी कैंपिंग की, वो एड ऑन हो जाती है। सो नाउ आई थिंक मैंने काफी ज्यादा ब्लावर कर लिया है एंड आई शुड नॉट डिले दिस फर्दर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो हेयर आई हैव माई डे हाइकिंग वाला बैक पैक। दिस इज अ 20-25 लीटर वाला बैक पैक जो मैंने डीकैथलन स्पोर्ट्स से लिया था। परफेक्ट है डे हाइक के लिए एंड इसमें काफी ज्यादा कंपार्टमेंट्स भी हैं और इस तरह की मतलब आपको हुक्स वगैरह भी हैं जहाँ पे आप अपना सामान कुछ हैंग वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहें। सो लेट मी अनजिप इट एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। आई थिंक मैं आपको पहले एक्सटर्नल पॉकेट से दिखा देती हूँ। सो इसके आउटसाइड वाले पॉकेट में मैंने अपने साथ रखा है एक पेपर स्प्रे, स्पेशली इफ यूर अ गर्ल जो अकेले ट्रैवल करती है या फिर इफ यूर गोइंग इन अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, आई वुड हाईली रिकमेंड आप अपने साथ अपनी सेफ्टी वाली चीजें भी लेके जाइए। एंड आई लाइक टू कीप अ पेपर स्प्रे अलॉन्ग विथ मी। सो ये मेरे बाहर वाले पॉकेट में ही रहता है। आप अपने साथ कुछ अपने सेफ्टी वाले जो नाइफ्स वगैरह भी आते हैं वो सब भी कैरी कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ वुड यू लाइक टू मैनेज योर सेफ्टी वाला थिंग। सो आप उस चीज को कंसिडर करके चलिए उस पॉइंट को भी, एंड डू कैरी योर सेफ्टी एसेंशियल्स। और अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो आई हैव दिस विसल दैट इज अटैच्ड ओवर हेयर। तो मैंने इसको यहाँ पे बाहर ही टांग दिया था। सो बेसिकली इट इज जस्ट अ साइरन काइंड ऑफ थिंग कि अगर कोई SOS कंडीशन कभी आ जाती है। सो आई हैव दिस विसल ब्लोअर अलॉन्ग विद मी। Now moving on to this wala pocket over here. So I have my COVID essentials inside. So I have my mask and my sanitizer. So sanitizer तो मैं COVID से पहले का ही अपने साथ carry करती आ रही हूँ, because I generally do not like कि अगर मैं कहीं गंदे हाथ वगैरह हैं तो मैं उसको sanitize वगैरह कर लूँ। So ये एक must have रहता ही है मेरे bag में। सो आई ऑल्सो हैव माई सन ग्लासेज ओवर हेयर। सो बेसिकली ये UV सन ग्लासेज है, तो अगर सन की रेज काफी ज्यादा हार्श है तो दिस विल एक्चुअली प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम द UV रेज। एंड आई ऑल्सो कीप सम ऑफ द स्नैक्स टू मंच ऑन इन दिस आउटर पॉकेट, लाइक आई हैव दी सीड्स एंड आई हैव सम नट्स ओवर हेयर। बेसिकली एनर्जी बूस्टर्स है, तो दिस इज रियली अ गुड ऑप्शन। आपको लाइट भी रखेगा और आपको एनर्जी भी सफिशियंट प्रोवाइड करते हैं ये। एंड आई ऑल्सो हैव सम कैंडीज, आई डू कैरी सम एनर्जी बार्स एज वेल समटाइम्स। एंड कभी मैं अपने साथ प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ फ्रूट्स भी रख लूँ, या फिर कभी होम कुक्ड रोटी या फिर एक परांठा अपने साथ रख लेती हूँ। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि फूड वाइज आप अपने साथ क्या क्या ऑप्शन रख के जाने वाले हैं। बट कुछ ना कुछ लेके जाइए, बिकॉज इट गेट्स रियली टफ। एंड अगर आपको बीच में भूख लग जाती है ड्यूरिंग द हाइक तो कुछ नहीं मिलता है पूरे रास्ते। सो यू शुड कैरी सम फूड और स्नैक्स अलॉन्ग विथ यू। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन कंपार्टमेंट, आई हैव माई बकेट हैट ओवर हेयर। सो बेसिकली सन प्रोटेक्शन की वजह से मैं बात कर ही चुके हैं। सो मैं अपने साथ प्रेफर करती हूँ कि मैं हैट्स वगैरह लेके जाऊँ। सो दिस इज अ बकेट हैट अगेन फ्रॉम दिस इज फ्रॉम डीकैथलन। सो इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, स्वेट प्रूफ है, ब्रीथेबल है बेसिकली मटेरियल। सो अपने साथ एक हैट या फिर कैप जरूर लेके जाइए ड्यूरिंग द हाइक। सो नेक्स्ट व्हाट आई हैव इन माई बैग इज माई कैमरा वाला बॉक्स। सो इसके अंदर आई हैव माई GoPro and I have some Bluetooth shutter buttons over here and some charging cables और कुछ GoPro का ही सामान वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर। एंड आई ऑल्सो हैव माई पावर बैंक।
इस पावर बैंक की अच्छी बात ये है कि इसमें फ्लैशलाइट भी है। आई नो फोन्स में भी रहती है फ्लैशलाइट, बट इट्स ऑलवेज गुड अगर आपके पास एडिशनल भी है। सो दैट इज इट इन माई कैमरा वाला बैग। एंड इसी के साथ मेरा अपना गोप्रो वाला स्टैंड भी है, जो ट्राइपॉड भी बन जाता है और एक सेल्फी स्टिक भी आप कह सकते हो वो भी बन जाता है। सो दिस इज ऑल्सो देयर इन द बैग। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि जनरली हम लोग ना इस चीज को इग्नोर कर देते हैं एंड हाइक पे या फिर ट्रैक पे निकल जाते हैं, बट वी डू नॉट कैरी एनी फर्स्ट एड अलॉन्ग विद अस। सो आप अपने साथ एक फर्स्ट एड किट जरूर लेके जाइए। आई ऑल्सो हैव माई फर्स्ट एड किट इन द बैग और मैं इसके अंदर आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या कैरी करके जाती हूँ। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो काफी हेल्पफुल रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वॉयलिनी का स्प्रे, अगर कोई स्प्रेन वगैरह वाली कंडीशन हो जाती है तो उस चीज के लिए बेस्ट है। देन सम बैंडेजेस है जो काम आएंगी अगर कभी लग गई। और देन आई हैव डिटॉल ओवर हेयर, सोफ्रामाइसिन है बेसिकली, सॉरी, एंड सम कॉटन पैड्स ओवर हेयर। और देन आई ऑल्सो हैव दिस ओडोमॉस, अगर किसी को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं तो डू अप्लाई दिस। सो नेक्स्ट इन माई बैग इज माई वॉलेट। सो वॉलेट तो आप अपने साथ कैरी करके जाइए, बट अपने साथ कैश जरूर रखिए। आई मीन ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं है, बट एक मिनिमम अमाउंट अपने साथ रख के चलिए जो आपको लगता है सफिशियंट होगा आपके डे के लिए, एंड अगर कुछ हो जाता है तो उसमें आपका काम निकल जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अपने वॉलेट में अपना एक ID प्रूफ जरूर रखिए। आई ऑल्सो लाइक टू कीप वन स्मॉल हैंड टॉवल अलॉन्ग विद मी मेरे बैकपैक के अंदर। एंड अब अगली चीज की मैं बात करूं, सो आई हैव दिस पाउच इनसाइड माय बैग, सो जिसके अंदर मेरे एसेंशियल्स हैं। अगेन आई हैव माय सनस्क्रीन, आई हैव माय मॉइस्चराइजर ओवर हेयर, एंड इसके अंदर आई हैव माय कॉम्ब एज वेल, और एक कुछ रबर बैंड्स हैं एंड मिरर है, और एक है लिप बाम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस मल्टी यूज वाली वाइप्स। सो बेसिकली ये डिटॉल की तरफ से है, तो ये एंटीसेप्टिक भी है। तो जैसे कि अगर आप कभी मिट्टी में आपके हाथ लग रहे हैं या फिर कुछ वहां पे हाइक पे जब जा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप डिसइंफेक्ट कर लो अपने हाथों को भी। एंड अगर आप सपोज किसी चेयर पे या फिर किसी स्टैंड पे बैठ रहे हो, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अभी का जैसा टाइम है कि आप उसको डिसइंफेक्ट कर लो सर्फेस को। सो यू सिंपली नीड टू वाइप ऑफ द सर्फेस, एंड ये वाइप्स आपकी काफी ज्यादा हैंडी रहती है। आप प्रेफरेबली छोटा वाला साइज लेके जाइए अपने साथ वाइप्स का। मुझे बड़ा वाला ही मिला था, तो आई हैड दिस इन माय बैग। छोटा वाला रियली सेव्स अप ऑन द स्पेस, एंड आपका बैग का जो वेट है उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। आई हैव कम्प्लीटली एम्प्टीड माई बैग, बस अब ये वाला पॉकेट बचा है। सो ये यहाँ पे ये जो हैंगिंग है, यहाँ पे मैंने अपने ईयरपॉड्स या फिर ईयरफोन्स लगा रखे हैं। एंड अगर मैं इस पॉकेट की बात करूँ, सो आई कैरी माई सैनिटरी पैड्स अलॉन्ग विद मी, सो ये इसके अंदर रखे हुए हैं मैंने। एंड आई ऑल्सो हैव गार्बेज बैग्स अलॉन्ग विद मी। सो बेसिकली रादर दैन थ्रोइंग माई ट्रैश एवरीवेयर, आई वुड प्रेफर कि मैं अपने साथ अपने गार्बेज बैग रखूँ, और जितना भी मेरा ट्रैश होता है मैं एक ही बैग में कलेक्टिवली स्टोर करके अपने साथ ही उसको लेके आती हूँ घर पे, एंड देन आई डंप इट। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विद यू, क्योंकि पूरे रस्ते पानी मिलना इज अ रेयर चांस अंटिल अनलेस आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर सोर्स है एंड आप वहां से पानी ले सकते हैं। सो उसके लिए भी आप फिल्टर वाला बॉटल्स जरूर लेके जाइए, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने घर से ही पानी की बॉटल लेके जाइए। एंड डू नॉट यूज प्लास्टिक वाला या सिंगल यूज वाला प्लास्टिक बॉटल्स, कैरी समथिंग दैट इज रीयूजेबल। सो वन पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप हाइक पे जा रहे हैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वहां की वेदर कंडीशंस पहले ही देख के जाइए। इफ यू फील कि काफी ठंड हो जाएगी, डू कैरी सम एक्स्ट्रा लेयर्स विद यू ताकि आप अपने आप को कवर कर सके। एंड इफ यू फील कि वहां पे बारिश हो सकती है, तो डू कैरी योर रेनकोट अलॉन्ग विद यू। अगर आपका बैग, कोशिश करिए कि वो वाटर रेजिस्टेंट या फिर वाटर प्रूफ हो, सो दैट आपके जो इतनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो खराब ना हो। सो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के ही आप अपनी हाइक प्लान करिए, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी अ गुड वन। सो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग व्हाट ऑल आई कैरी इन माय डे हाइकिंग वाला बैकपैक, बट अदर देन दिस मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अगर डे हाइक पे जा रहे हैं तो अपना एक नेविगेशन या फिर कंपस वाला सिस्टम भी लेके जाइए। आप अपने गूगल मैप्स जो है वो ऑफलाइन स्टोर कर सकते हैं, एंड कंपस तो ऑब्वियसली फंक्शनल रहेगा ही। सो वो सब चीजों का भी सोचकर अपने साथ पूरा प्लान करके अपनी हाइक पे जाइए, एंड वेयर अच्छे वाले हाइकिंग शूज एंड यू आर गुड टू गो।
सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा एंड ये आपको हेल्प करेगा अपनी डे हाइक अच्छे से प्लान करने में. सो लाइक एंड कॉमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ यू विल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. सो रैपिंग दिस वीडियो अप एंड सेंडिंग गुड वाइब्स टू ईच वन ऑफ यू. कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.